37, 137, दब्बम जीवमजीवम जीवोपुण छेदनोवगमो पोगलदव्वपमुहम् अचेदनं हवदीयजीवम् दव्वं जीवमजीवम् जीवोपुण छेदनोवगमो यहाँ पर ज्ञेय तत्व का ही वर्णन चल रहा है। ज्ञेय माने जानने योग्य, जो पदार्थ हैं उन्हीं पदार्थों के बारे में यहाँ पर व्याख्यान चल रहा है। पदार्थों को ही जानते हुए अभी तक द्रव्य सामान्य का वर्णन किया जा रहा था, जिसमें द्रव्यों का विभाजन किए बिना द्रव्य की सामान्य जानकारी, द्रव्य का सामान्य स्वरूप जो सभी द्रव्यों में घटित हो जाता है, वो बताया जा रहा था। द्रव्य गुण पर्यायों के साथ में जो द्रव्य का परिणमन चलता है, और उस परिणमन के साथ में जो चेतना का परिणमन होता है, वह सारा का सारा ज्ञान दिया जा चुका है। अब यह ज्ञेय तत्व अधिकार का ही एक दूसरा भाग है, चैप्टर है, जिसमें छहों द्रव्यों को लेकर के कुछ व्याख्यान किया जाएगा। अभी तक सामान्य से द्रव्य को और चैतन्य आत्म द्रव्य की मुख्यता को लेकर के व्याख्यान था, अब यहाँ पर छहों द्रव्यों की मुख्यता से व्याख्यान होगा। इसलिए यह गाथा यहाँ पर जो लिखी हुई है, दव्वम जीवम अजीवम, द्रव्य जीव भी है और अजीव भी है। द्रव्य संग्रह में यही गाथा जीवम अजीवम दव्वम इस रूप में आती है, और यहाँ क्या लिखा है, दव्वम जीव मजीवम। कुछ भी अंतर नहीं है, केवल बस पदों के आगे पीछे रखने का अंतर है। द्रव्य दो हैं, क्या हो गया, जीव अजीव कैसे हो जाएगा, मतलब द्रव्य जीव और अजीव। मजीव का मतलब उसमें जो जीवम ऐसा जो मकारांत शब्द होता है, उसके कारण से आगे आने वाला अ आधा माँ और आगे आने वाला आ जुड़ करके पूरा माँ बन जाता है, तो वह पूरा माँ बन गया। जीव मजीवम यानी द्रव्य जीव हैं और अजीव हैं। तो द्रव्य चूंकि नपुंसक लिंग का शब्द है, इसलिए उसके विशेषण में जीव को भी जीवम कर दिया, अजीव को भी अजीवम कर दिया। ये व्याकरण की बातें हैं। आगे कहते हैं जीवोपुण चेदणोव ओगमो। अब कहते हैं कि जीव क्या है, तो जीव तो चेतना और उपयोगमय है। क्या है, चेतना रूप भी है और उपयोगमय भी है। यह जीव की सबसे बड़ी विशेषता है। जो सभी जीवात्माएं हैं, उन्हें अपने ही जीव की इस विशेषता का ज्ञान नहीं होता है। तो वह हमें शास्त्रों से ज्ञान होता है कि जीव हमारा कैसा है, चैतन्य रूप है और उपयोगमय है। चैतन्य रूप होने का मतलब कि उसमें चेतना होने के कारण से जो पिछली गाथाओं में बता करके आए हैं कि वह कर्म के रूप में, कर्म फल के रूप में और ज्ञान के रूप में परिणमन कर सकता है, यही उसका चेतना का परिणमन है।
और उपयोगमय होने का मतलब हुआ कि उसका जो व्यापार है उस चेतना का जो निरंतर चलता रहता है वह दो रूपों में चलता रहता है, ज्ञान के रूप में और दर्शन के रूप में, जानने के रूप में और देखने के रूप में। यह चेतना का व्यापार उपयोग कहलाता है और चेतना स्वयं अपने आप में एक परिणमन के रूप में व्याख्यायित की जाती है कि जिसका परिणमन किसी ना किसी रूप में होता रहे वह चेतना है। तो यह चेतना का जो एक अनुविधायी परिणाम होता है वही उपयोग कहलाता है, मतलब चेतना के साथ ही उपयोग जुड़ा हुआ होता है। लेकिन उपयोग कहने से वह उपयोग दो भागों में विभाजित होता है, ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग। वह दोनों ही चेतना के ही परिणाम हैं, इसलिए दोनों ही चैतन्य कहलाते हैं। ज्ञानोपयोग भी चैतन्य है और दर्शनोपयोग भी चैतन्य है। ऐसा यह जीवात्मा का कार्य निरंतर चलता रहता है। यह जीवात्मा किसी भी पर्याय में पड़ा हो ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग रूप चैतन्य परिणाम को निरंतर धारण किए रहता है, अपनी चेतना को जानने और देखने के माध्यम से उपयोग में लाता रहता है। यही चेतना का उपयोग जब पर से हटकर स्व की ओर आता है तो वह उपयोग अपने शुद्ध स्वभाव की ओर आने लग जाता है। व्यापार हो रहा है, उपयोग का कार्य चल रहा है, ज्ञान का दर्शन का कार्य चल रहा है, जानने और देखने का कार्य चल रहा है। जब तक ये पर के साथ जुड़ा रहता है, पर द्रव्यों पर आधारित होता है, तो ये अशुद्ध होता है। और जब ये टोटली अपने ही ऊपर आधारित हो जाता है, अपने में ही इसका परिणमन हो जाता है, तो वह शुद्ध हो जाता है। पिछली गाथा में ये बताया कि जब यह जीवात्मा अपना ही कर्ता, अपना ही करण, अपना ही कर्म, अपना ही फल खुद अपने में ही प्राप्त करता है, तब यह शुद्ध को प्राप्त हो जाता है, माने यह जीवात्मा शुद्ध हो जाता है। तो शुद्ध होने के लिए उपयोग का डाइवर्जन जरूरी है, और वो डाइवर्जन किस ओर? पर से हटकर के स्व की ओर आना, स्व को ही स्व का कर्ता मानना, स्व को ही स्व का कर्म मानना, स्व को ही स्व का करण बनाना, स्व को ही स्व का फल बनाना। बस जो कुछ हो रहा है अपने में हो रहा है, अपने लिए हो रहा है, अपने से ही हो रहा है, और अपने को ही उसका फल मिलेगा। ये बात जब चेतना के इस ज्ञान के माध्यम से आदमी के मन में समाने लग जाती है, तो उसका जो परिणमन बाहर की ओर जाता है वह परिणमन उसका अंतरंग की ओर आने लग जाता है। अभी तक अज्ञानता के कारण से ज्ञान नहीं होता, तब तक भी आत्मा करता तो है कुछ ना कुछ, कर्म भी करता है, कर्ता भी बना रहता है, करण भी बना रहता है, और उसका फल भी भोगता है। लेकिन वह सब बंध के साथ होता है, बंध का ही कर्ता होता है। जिससे जिस कर्म को करेगा उससे बंध जाएगा, जिस करण को अपने हाथ में लेगा उससे भी बंधा हुआ होगा, जिसका फल उसे प्राप्त होगा वह भी जो है उसके लिए बंध का ही कारण बनेगा। बंध के ही साथ माने अपने ही परिणामों के माध्यम से वह बंध का कर्ता बना रहता है, बंध करता रहता है। अपने ही चेतना को, अपने ही उपयोग को कर्म के रूप में और कर्म फल के रूप में जब बांधे रखता है तो वह बंध तत्व को ही प्राप्त होता रहता है। और जब वही चेतना अपने उपयोग से इन पर द्रव्य को अपना बंध का कारण न बनाते हुए स्व के साथ ही अपना बंधन मान लेता है, तो स्व में ही परिणमन करने पर उसे मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। इतना सा बंध और मुक्ति का सिद्धांत है। बंध कब होगा? जब वह पर को अपना कर्ता, पर को अपना कर्म, पर में अपना फल देखेगा। और मुक्ति कब मिलेगी? जब स्व को अपना कर्ता, स्व को ही अपना कर्म, स्व को ही अपना करण और स्व को ही अपना फल बना लेगा।
ये संक्षेप से सिद्धांत है बंद का और मुक्ति का। अनुविधायी परिणाम का मतलब होता है कि जो उसके साथ साथ ही बना रहे, जहाँ चेतना है वहीं पर उपयोग है, चेतना के साथ ही उसका विधान बना हुआ है। अनु माने उसी के अनुरूप और विधायी माने विधान करने वाला या उसको रचने वाला। जो चेतना का अनन्य परिणाम है माने चेतना से भिन्न नहीं है, वही उसका उपयोग कहलाता है। वह दो प्रकार का बताया गया। तो यह जो हमारा उपयोग का परिणमन है, यह जब शुद्ध रूप होने लग जाता है तो इसी चेतना का उपयोग का इतना विस्तार हो जाता है कि वह पर द्रव्य को जानने के लिए उत्सुक नहीं होता है, पर द्रव्य उसके जानने में अपने आप आने लग जाता है। यही अशुद्धि से शुद्धता की ओर पहुंची हुई चेतना की परिणति इतनी जब विराट रूप को धारण कर लेती है तो वही सर्वज्ञता और केवल ज्ञानता के रूप में सामने आ जाती है। तो यह समझने की बात है कि हमारा यह चैतन्य और उपयोग रूप स्वभाव जो है जीव का, यही बस शुद्ध होते होते केवल ज्ञानमय हो जाता है और उसमें इतनी विराटता और विशदता आ जाती है कि वह दूर दूर के पदार्थों को भी और दूर कालवर्ती पदार्थों को भी अपने आप जानने में ले आता है। जब दूर के पदार्थ, दूर काल के पदार्थ जानने में आ जाते हैं उस चेतना के माध्यम से, तो वह जैसा उसमें जानने में आता है वैसा ही वह कह देता है। और जब वो वैसा ही कह देता है तो लोग कहते हैं कि जो जो देखी वीत राग ने सो सो होसी वीरा रे। क्या समझ आया? वीत राग ने जो देखा वो क्या देखा? अपने ज्ञान की इतनी विशालता के साथ देखा, इतनी विराटता के साथ देखा कि जो आगे भी होने वाला है वह उनके ज्ञान में आ जाता है। तो ये उनके ज्ञान की विशेषता है। और यह आगे होने वाली जो कोई भी घटनाएं होती हैं, जो कोई भी चीज़ें होती हैं, वो हमेशा अपने अपने कारणों से ही घटित होती हैं, लेकिन जानने वाला उन्हें समय से पहले जान सकता है। घटनाएं जो भी घटित होंगी अपने अपने कारणों से घटित होंगी। आपके उपादान में जिसके साथ में जो राग द्वेष पड़ा है उसी के साथ आपका निमित्त बनेगा तो वह राग द्वेष का कारण बनेगा। वैसा ही निमित्त बनेगा, उपादान के अनुसार निमित्त के संयोजना भी हो जाती है और वह उपादान और निमित्त दोनों के माध्यम से वह कार्य घटित हो जाता है। अब हम जब भी कार्य को देखेंगे, कोई भी कार्य हो रहा है तो होगा तो वह दोनों तरफ से ही, एक कारण से नहीं होगा। दोनों को कारण कहा है, उपादान भी कारण है और निमित्त भी कारण है। कार्य घटित होगा तो उपादान में होगा, लेकिन बिना निमित्त के कोई भी कारण घटित, कार्य घटित नहीं होता है। तो भगवान ने कितना भी दूर का देखा हो, उपयोग की दशा, चेतना की परिणति कितनी भी विशाल क्यों ना हो गई हो, लेकिन कहा तो उन्होंने यही है कि जब भी कोई कार्य होगा तो उपादान और निमित्त दोनों के मिलने से होगा। समझ आ रहा है? भगवान ने कहा, क्या कहा? श्री कृष्ण की द्वारिका जलेगी। समझ आ रहा है? और द्वारिका जल गई। अब भगवान ने कहा है तो जल गई कि वह अपने अपने कारणों के कारण से जल गई? समझ आ रहा है? भगवान ने कहा है तो जल गई, ये बात ठीक है, इसमें भी हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन भगवान ने ये तो नहीं कहा कि हमने कहा है तो जलेगी, और जलेगी तो वो अपने ही कारण से जल जाएगी, उसे बिना किसी कारण की, दूसरे कारण की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ऐसा तो नहीं कहा ना? द्वारिका जली माने द्वारिका तो एक रचना है, नगर की रचना है,
और उस नगर की रचना में जो भी पुद्गल स्कंध हैं अजीव पदार्थ हैं, वे सब क्या हैं? अजीव हैं। और उसमें रहने वाली बहुत सारी जीव पदार्थ हैं, बहुत सारा परिवार, सेना, सब कुछ रह रहा है, एक तरीके से पूरा नगर ही बसा हुआ है। समझ आ रहा है? अब ये सब भी जलेंगे, ये भी कह दिया। समझ आ रहा है? क्योंकि हमारे ज्ञान में दिख रहा है। अब ये जलेंगे, जल भी गए, लेकिन जलने के लिए कारण क्या बना? कार्य क्या अपने आप हो गया या एक कारण से हो गया? हमें ये बताओ बस। कार्य भगवान के कहने से हो गया कि अपने आप हो गया, या उपादान और निमित्त दोनों के मिलने से हुआ? अगर हम ये माने कि भगवान के कहने से हो गया, तो फिर जो है सब कुछ भगवान के ही कहे अनुसार होगा। समझ आ रहा है? कार्य कारण की व्यवस्था घटित नहीं होगी कभी भी, कोई भी काम के लिए। क्या भैया, किस कारण से कौन सा कार्य होगा अपन नहीं जानते, भगवान ने जैसा देखा होगा वैसे ही होगा। समझ आ रहा है? अब हम आम का बीज बोएं और हम पूछे भैया इसमें आम के फल लगेंगे कि नीम की निबोरी आएंगी कि बबूल के कांटे आएंगे, अपन नहीं कह सकते। अब जैसा भगवान ने देखा होगा वैसा होएगा। नहीं समझ आ रहा? क्योंकि कारण से कार्य होना ही नहीं है। अगर हम आम के बीज बो रहे हैं तो आम का ही फल आएगा, ये हम तभी कह सकेंगे जब हमारे पास ये निश्चय हो कि हाँ कारण से ही कार्य होता है। और अगर हमने ये निश्चय कर लिया कि सब काम भगवान के देखे अनुसार होता है, भगवान के ही कहे अनुसार होता है, तो भैया फिर अब कोई निश्चय नहीं कर सकते हैं। पीसने तो बैठे हैं आटा, और पिक्स और बन जाए बेसन तो कह नहीं सकते हैं कुछ भी। क्योंकि जैसा भगवान ने देखा होगा वैसे ही होगा ना। कारण के अनुसार अगर कार्य घटित नहीं होगा और ये सिद्धांत नहीं होगा, तो तुम्हारा भगवान भी क्या है, विवाद में पड़ जाएगा। समझ आ रहा है? हाँ, भगवान का केवल ज्ञान भी जो है लड़ाई झगड़े का कारण बन जाएगा। भगवान ने जैसा देखा है वैसा होगा, अगर हम ऐसा मान लें तो फिर कारण कार्य की व्यवस्था को बंद करके रख दो। हाँ, कभी किसी भी चीज के लिए कारण कार्य को बताओ ही मत, कहो ही मत कि कौन से कारण से क्या कार्य होना है। तो हम समझे कि हाँ वास्तव में भगवान के ही देखे अनुसार सब हो रहा है, भगवान के ही कहे अनुसार हो रहा है। क्योंकि एक सिद्धांत पकड़ लो तो फिर पूरा जीवन फिर उसी सिद्धांत पे लगा दो, हर तत्व की व्यवस्था उसी सिद्धांत से तो लो। तो भगवान ने देखा है वैसा होगा, तो फिर हमारे किए अनुसार कुछ होने वाला नहीं, हमारे सोचे अनुसार कुछ होने वाला नहीं। जिस कारण से जो कार्य घटित होता है उससे भी वो कारण से कार्य हो जाए, ये भी कोई जरूरी नहीं। क्या समझ आ रहा है? क्योंकि सब कुछ भगवान के अनुसार होने वाला है, तो ये बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। समझ आ रहा है? भगवान के अनुसार भी जो कहने में आ रहा है, तो ये भी तो देखो कि भगवान भी क्या कह रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि द्वारिका जलेगी, लेकिन ये भी तो कह रहे हैं कि किसके निमित्त से जलेगी। निमित्त भी तो बता रहे हैं, केवल यूं नहीं कह रहे हैं कि हमने देखी तो जल जाएगी, कोई नहीं बचेगा, दो बचेंगे, ये तो ठीक है। लेकिन उसको जो वहां का द्रव्य है, जो अग्नि के रूप में परिणमित होगा, चाहे वो अजीव हो चाहे जीव का वह पुद्गल शरीर हो, वह सारा का सारा कुछ निमित्त तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि अपने आप हो जाएगा? अगर भगवान ने कहा है कि इसके निमित्त से होगी, तो इसका मतलब क्या हो गया? भगवान ने क्या बताया? निमित्त भी बताया और उपादान भी बताया। समझ आ रहा है? काम जब भी होगा दोनों ही कारणों के मिलने से होगा, उपादान भी होना चाहिए और निमित्त भी होना चाहिए। अब आप कहो कि नहीं, जैसी उस समय पर योग्यता आ जाएगी वैसे ही उस समय पर उन सभी द्वारिका के पुद्गल द्रव्य अग्नि रूप में परिणमन हो जाएंगे। समझ आ रहा है? अपने आप ये भगवान ने देखा है, तो ये कहना भी गलत हो जाएगा।
अपने आप वे अग्नि रूप परिणमन हो जाएंगे, अपने आप उनमें योग्यता ऐसी ही है कि जैसी भगवान ने जिस समय पर देखा है उस समय पर वह अग्नि रूप बन जाएगी वह द्वारिका। तो ये कहना भी गलत है, क्योंकि कार्य कभी भी बिना निमित्त के होता ही नहीं है। उपादान और निमित्त के ही द्वारा कार्य होता है ये अगर भगवान कह रहे हैं, और फिर हम यूं कहें कि हे भगवान आपके अनुसार आपके देखे अनुसार कार्य हो रहा है, तो दोनों बातों में विरोधाभास आ जाएगा। हम एक बात को मान के चलें, या तो भगवान की बात माने या फिर भगवान के प्रति ज़्यादा श्रद्धा हो गई है, अंधी श्रद्धा बन गई है, या उनके सर्वज्ञता के प्रति ज़्यादा हमारा विश्वास हो गया है, तो फिर जो है हम भगवान की सर्वज्ञता पर ही विश्वास करके बैठे, उनकी बातों पर विश्वास नहीं करें। जो आपके ज्ञान में दिख रहा है हमें उस पर विश्वास है, आप जो कह रहे हो वो बात पर विश्वास नहीं है। और दोनों बातें एक साथ हो नहीं सकती कि भगवान कहें कि कार्य तो हो रहा है उपादान और निमित्त दोनों के मिलने से, और भगवान ये भी कह रहे हैं कि हमने देखा है तो होगा, तो दोनों बातें एक साथ कैसे होंगी? और अगर होंगी भी तो इस रूप में ही हो सकती हैं कि आपने देखा है कोई बात नहीं, आपने जाना है कोई बात नहीं, क्योंकि ये आपके ज्ञान की विशालता है कि आप दूर का देख सकते हो, आप दूर का जान सकते हो, लेकिन कार्य तो उसी तरह से घटित होगा जिस तरह से घटित होने का नियम है। ये संसार में हर कार्य को घटित होने का जो नियम है कि जो कार्य उपादान और निमित्त दोनों कारणों के मिलने से होता है तो वो वैसे ही होगा, एक से नहीं होगा। समझ आ रहा है? तो हमें ये व्यवस्था भी ध्यान में रखनी है कि भगवान ने कहा है तो ये भी कहा है कि उस उपादान के साथ में ऐसा निमित्त बनेगा, और निमित्त बना और वैसा कार्य घटित हुआ, बिना निमित्त के तो नहीं हुआ। इसलिए ये ध्यान रखना कि कार्य हमेशा उपादान और निमित्त दोनों के मिलने से होता है। तो अब आप जो है अपने लिए ये मान के चलो कि जैसे जैसे आपके अंदर साधक बनने का भाव आएगा, जैसे जैसे आपके अंदर अपने संसार को रोकने का भाव आएगा, वैसे वैसे आपके अंदर ये भाव आने लगेगा कि हमें अपने निमित्तों के अनुसार अपने उपादान को चलाने की कोशिश करना है, क्योंकि कार्य निमित्त और उपादान दोनों के मिलने से बढ़ता है। जैसा निमित्त हमारे सामने होगा वैसे ही हमारे अंदर उपादान की योग्यता घटित होगी और वैसा ही कार्य सामने होने लगेगा। समझ आ रहा है? अगर हमें अपना जीवन कुछ अच्छा बनाना है तो क्या करना है? अपने अच्छे निमित्तों के माध्यम से अपने उपादान को उसी रूप में ढालने की कोशिश करना है कि ये उपादान कैसा बना रहे, उन निमित्तों के अनुसार ये चलता रहे और उस निमित्त से शक्ति प्राप्त करके अपने आप को समर्थ बनाता रहे। क्या हुआ? एक मिनट बोलने दो। नहीं नहीं वो छोड़ा नहीं है, वो तो परिणाम चैतन्य के उपयोग की परिभाषा में गया। कोई भी कार्य हो रहा है तो उभय निमित्त वशात ही होता है, और उभय निमित्त का मतलब ही होता है एक बहिरंग निमित्त और एक अंतरंग निमित्त। तो बहिरंग निमित्त होता है वही बाहरी कारण कहलाता है, और अंतरंग निमित्त होता है वह अंतरंग कारण कहलाता है। अंतरंग निमित्त को ही उपादान कहते हैं और बहिरंग निमित्त को निमित्त कहते हैं। हाँ, चेतना और उपयोग में ये डिफरेंस है कि चेतना का मतलब तो यह है कि वह अपने चैतन्य भाव के साथ रह रहा है, और उपयोग का मतलब है कि चैतन्य के साथ में वह कुछ ना कुछ व्यापार भी कर रहा है। व्यापार का मतलब क्रिया, क्रिया का मतलब ज्ञान रूप और दर्शन रूप क्रिया। चेतना तो तीन रूप में परिणमित हो जाती है, लेकिन उपयोग हमेशा दो ही रूप में परिणमित होगा। ये चेतना और उपयोग में अंतर है। चेतना तीन रूप में परिणमन कर जाती है। हाँ, कर्म चेतना,
कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना, और उपयोग हमेशा दो ही रूप में रहेगा, ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग। चेतना का संबंध यहां पर उसके दशा के अनुसार है कि वो किस दशा में पड़ा है, कर्म फल को भोगने की दशा में पड़ा है कि कर्म करने की दशा में है कि अपनी ज्ञान दशा में आ गया, ये चेतना के परिणमन से सिद्ध होता है। उपयोग हमेशा उसका ज्ञान दर्शन रूप तीनों अवस्थाओं में व्यापक रहता है, कर्म फल को भोग रहा है तब भी जानना देखना कर रहा है, कर्म चेतना में पड़ा है तब भी जानना देखना कर रहा है, ज्ञान चेतना में आ गया तब भी जानना देखना कर रहा है। तो ये अंतर है चेतना में और उपयोग में। चेतना का मतलब जो पहले बता करके आए, परिणमदि चेदणाए आदा, आत्मा चेतना रूप से परिणमन करता है, कैसे, तो ऋणान कम कम फल भावी, ज्ञान रूप कर्म रूप और कर्म फल रूप, ये चेतना के परिणमन से सिद्ध होता है। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी हम अपनी चेतना को जानेंगे, अपने स्वरूप में आने की कोशिश करेंगे, तो हमारे लिए थोड़ी सी एक निश्चिंतता आती चली जाएगी। क्या आती चली जाएगी? निश्चिंतता। क्यों आएगी? एक बात आपको कही थी आज सुबह भी कि जैसे जैसे हम आध्यात्मिक होंगे, हम भगवान की भक्ति करेंगे, और भगवान की भक्ति करने से हमारे अंदर निश्चिंतता आती चली जाती है। तो निश्चिंतता आने से क्या होता है, हमारे निश्चिंतता आने से हमारे अंदर जो घटित हो रहा है वह कर्म फल, जो हम कर्म फल के प्रति हमेशा एक कहना चाहिए संदेहात्मक रहते हैं या हमारे मन में भय बैठा रहता है, तो वह कर्म फल चेतना के प्रति हमारे मन में फिर भय नहीं रहता, उससे हम दूर होने लग जाते हैं, उससे हमारा संदेह हट जाता है। ठीक है, जो होना है वो तो होगा ही, समझ आ रहा है, भगवान भरोसे नहीं है, जो होना है वो होगा, लेकिन होगा तो अपने उपादान और निमित्त कारणों से होगा। भगवान भरोसे तो उनके लिए है कि जो केवल भगवान के ही भरोसे सब कुछ छोड़ करके बैठ जाते हैं, समझ आ रहा है, लेकिन जो ये तत्व को द्रव्य को जानने वाला होगा वह भगवान को भी जानेगा, अपने को भी जानेगा और अपने कर्मों के फल को भी जानेगा। तो समझने की कोशिश ये करना है कि जैसे जैसे कोई व्यक्ति आध्यात्मिक होगा वह भगवान भरोसे नहीं बैठेगा, वह अपने कर्म फल की चेतना से निश्चिंत होना शुरू कर देगा। ज्ञानोपयोग तो एक सामान्य रूप से चलने वाला हमेशा का परिणमन है, लेकिन ज्ञान चेतना जो है वो केवल ज्ञानमय ही जो है, बस स्व को जाने ज्ञानमय, वो ज्ञान चेतना है। अगर हम पदार्थों को भी जान रहे हैं तो वह केवल पदार्थों को बस जैसा है वैसा ही जाने, मुझसे पृथक है तो पृथक जाने, अजीव है तो अजीव रूप में जाने, अर्थ को जानने की जो एक ज्ञान की परिणति है वो उसकी ज्ञान चेतना है। ज्ञानोपयोग तो एक इंद्री असंगी पंचेंद्री सब में पड़ा है, लेकिन ज्ञान चेतना जो आएगी वो संगी में ही आएगी, संगी में ही आएगी, अर्थ के विकल्प के साथ, सम्यक ज्ञान के साथ वह ज्ञान चेतना का प्रवाह शुरू होगा। यह अंतर है। तो हम कह रहे थे कि जैसे जैसे आप निश्चिंत होंगे, आप साधक बनेंगे, या जैसे जैसे आपकी धर्म के प्रति श्रद्धा आएगी, वैसे वैसे आपके ये परिणाम में आएगा कि हम क्या हों, कर्म फल से निश्चिंत हों। समझ आ रहा है? सबसे ज्यादा डर लगता है कि मेरे कर्म का फल कैसा मिलेगा, और इसकी निश्चिंतता कैसे आएगी, जब हम ये जान लेंगे कि जैसा हमने कर्म किया है उसका वैसा फल मिल जाएगा, हमें उसके लिए चिंता करने की जरूरत क्या है।
जो वर्तमान में हम कर्म करते जाएंगे उसके अनुसार जो पुराने किए हुए कर्म हैं उनमें जो बदलाव आएगा और उसमें जो संक्रमण उत्कर्षण अपकर्षण होगा उसके अनुसार उसका फल मिलता चला जाएगा। तो साधक को सबसे पहले किसमें निश्चिंतता आनी चाहिए? कर्म के फल में। समझ आ रहा? जो भी अध्यात्म प्रेमी हैं, जो भी अपने आप को जिनेंद्र भगवान के मार्ग पर लगाना चाहते हैं और लगे रहना चाहते हैं, तो भी समझने की कोशिश करें कि पिछले दो दिनों में भी हमने इन तीन चेतनाओं का एक अलग ढंग से व्यवहारिक रूप से वर्णन किया है और उसी को हम यहाँ पर भी कह रहे हैं कि अगर हमारी चेतना है उपयोगमय है तो वह चेतना में सबसे पहले निश्चिंतता आनी चाहिए। तो वह निश्चिंतता आनी शुरू हो जाती है उसके कर्मफल चेतना से अपने उपयोग को हटाने से। कैसे हटाता है वो? उसने जान लिया हमने पिछले बहुत कर्म किए। समझ आ रहा है? जब आदमी को ये ज्ञान आ जाता है कि हमें अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता है तो फिर वह घबराने भी लगता है। कई लोग हमारे पास आते हैं, महाराज प्रायश्चित दे दो। किस बात का भाई? कि मैंने बायोलॉजी में बड़े मेढक काटे। समझ आ रहा है? हाँ, मैंने जो है मतलब घर में रह करके बहुत मच्छर मारे, हाँ बड़े बड़े कॉकरोच मार डाले। समझ आ रहा है? और घर की साफ सफाई में हमने बहुत जीवों की हिंसा करी और सामने देखते देखते हो गई, हाँ यहाँ तक की जरूरत पड़ी तो हमने एबॉर्शन भी कराए। समझ आ रहा है? अब ये सब हमने पाप किए। आपके ये पाप तो केवल आपको इस जन्म के दिखाई दे रहे हैं और इस जन्म के पाप का आप प्रायश्चित लेने का भाव कर रहे हो। ये तो ठीक है, कभी ये तो सोचो कि इससे पहले भी कितने जन्म लिए थे और उनमें भी कितने पाप किए थे, वो भी तो हमारे सिर पर चढ़े हुए हैं, वो भी तो हमारी आत्मा में बंधे हुए हैं, उनका प्रायश्चित क्या होगा? ये जो हमारे जानने में आ रहा है इसका तो हम प्रायश्चित करके तौबा तौबा कर रहे हैं, इसके लिए तो हमारे मन में पश्चाताप का भाव आ रहा है, लेकिन जो कर्म और इससे पहले के बंधे हुए हैं तो उन्हें हम कैसे तोड़ेंगे? अब सबका प्रायश्चित दे दो, सबका काय का प्रायश्चित दे दो, सबका प्रायश्चित तो हो नहीं सकता है। तो आपको यह समझना है कि जो भी हमने कर्म इकट्ठे किए हैं, समझ आ रहा है, उनको हम अपने ज्ञान से और अपने चारित्र से ही तोड़ सकते हैं। सम्यक ज्ञान आते ही हमारे मन में जब ये स्व और पर का विवेक आने लगेगा तो हमारा चारित्र अब अच्छा होने लग जाए। सबसे बड़ा प्रायश्चित यह होता है कि हमने जो पुराने कर्म किए, पुराने पाप किए, उन्हें अब हम आगे कभी नहीं करेंगे, ऐसा मन में संकल्प ले लेना भी अपने आप में उस प्रायश्चित के माध्यम से उस पाप को रोक लेना है और उस पाप को कम कर लेना है। तो पहली बात तो यह कि हम पहले यह संकल्पित हों कि ऐसा हम नहीं करेंगे। लोग कहते हैं चलो महाराज हमने ऐसा भी कर लिया अब नहीं करेंगे, फिर भी जो पुराना चढ़ा हुआ है वो कैसे हटे? तो कैसे हटे? उसको हटाने के लिए आप इतना ही मत सोचो कि हमने इतना ही पाप किया है। आप तो अब सोचो कि ये जितने भी हमने जन्म जन्मांतरों में पाप किए हैं ये सब कैसे हटे। क्या समझ आ रहा है? पाप का भार तो आत्मा पे है ही, लेकिन वह पाप का भार आत्मा से हटाने के लिए अगर आप पुरुषार्थ करना शुरू कर दोगे तो आपके लिए वह पाप बहुत जल्दी जल्दी झरने लग जाएगा। समझ आ रहा है? जैसे कोई भी बिल्डिंग बनाई जाती है तो उसको खड़ा करने में नींव खोदनी पड़ती है, दीवारें बनानी पड़ती हैं और मजबूती से वह जो है बिल्डिंग हम बना करके खड़ी कर देते हैं, है? और जब उसको तोड़ने के लिए ऑर्डर मिलता है कि भाई इसको तोड़ डालो तो एक जेसीबी मशीन आती है, वो क्रेन आती है, समझ आ रहा है, और वह क्रेन के माध्यम से अपने आप बरसों की बनाई हुई चीज घंटों में टूट जाती है, साफ हो जाती है। समझ आ रहा है? आप ये मत सोचो कि हमने केवल इतना ही पाप किया है,
पहले ये सोच लो, हमने ऐसे पाप अनंत जन्मों में बहुत किए, हमको केवल इतने ही पाप का प्रायश्चित नहीं चाहिए, हमें अब इन सब पापों से मुक्ति पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो उसी के लिए ये कहा जा रहा है कि आपको अगर वो सब पापों से मुक्ति प्राप्त करना है तो अपने ज्ञान और चारित्र के साथ में अपनी चेतना का उपयोग बनाओ। किसके साथ? ज्ञान और चारित्र के साथ। सम्यक ज्ञान की आराधना करो और सम्यक चारित्र को प्राप्त करने की कोशिश करो। सम्यक चारित्र एक ऐसी चीज है कि सम्यक ज्ञान के साथ अगर आप सम्यक चारित्र का पालन करते हैं तो उससे जन्मों जन्मों के पड़े हुए कर्म भी हमारी आत्मा से मिनटों में झड़ जाते हैं। पहले जो बताया जा रहा है उसको तो समझो। जन्मों जन्मों के कर्म भी मिनटों में झड़ जाते हैं। किसके माध्यम से? चारित्र के माध्यम से, सम्यक ज्ञान पूर्वक लिए गए चारित्र के माध्यम से। तो सम्यक ज्ञान पूर्वक चारित्र क्या? आपके ज्ञान में ये आ जाए कि आत्मा कर्म से बंधा हुआ है और कर्म से अनादि काल से बंध करता चला आ रहा है, तो अब इसके कर्म बंधनों को तोड़ने के लिए हमें चारित्र को अपनाना चाहिए। तो वह चारित्र भले ही आप गृहस्थ हैं तो कम से कम देश चारित्र को प्राप्त करो। देश चारित्र प्राप्त करोगे तो क्या होगा? आपको कम से कम 12 व्रतों का पालन करना होगा। समझ आ रहा है? उससे क्या होगा? उससे असंख्यात गुड़ी कर्मों की निर्जरा होती है हर समय। समझ आ रहा है? जैसे वह बहुत बड़े बड़े फावड़े से या बहुत बड़े बड़ी उस क्रेन के माध्यम से जो है बहुत बड़ी बड़ी मिट्टी एक साथ उठा के इधर फेंकता रहता है और डंफर में डालता रहता है, उसी तरीके से आत्मा के कर्म झड़ना शुरू हो जाते हैं। वह खूब असंख्यात असंख्यात गुड़े हर समय पर कर्म भर भर करके जो है निर्जरा को प्राप्त होते रहते हैं और उन कर्मों का सफाया होने लग जाता है। फिर उसमें ये नहीं रहता है कौन पुराना है कौन पहले का है। मकान टूटा तो ये नहीं है कि आपने ये चीज़ अभी नई लगाई थी कि ये चीज़ बहुत पुरानी लगी है, वो तो सब एक साथ उसका संक्रमण होगा, गड्ढ सड्ढ होगा और जो जहाँ पड़ेगा वहाँ गिरेगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। समझ आ रहा है? ये भी चीजें सब उसी चारित्र का ही अंग हैं। ध्यायेत पंच नमस्कार सर्व पापै प्रमुच्यते। अगर आप पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान करते हो तो सभी पापों से छूटते हो। तो वह भी आप जब थोड़ा सा चारित्र के साथ ध्यान करोगे तभी छूटोगे, है ना? क्योंकि जब तक देश चारित्र भी नहीं होगा तब तक असंख्यात गुड़ी कर्म की निर्जरा नहीं होगी, और उस निर्जरा के बिना कितना भी हम कुछ भी ध्यान करेंगे तो उससे जो निर्जरा होने वाली है उसकी अपेक्षा से बहुत कम होगी। हाँ, पाप से छूटेंगे निर्जरा तो होगी लेकिन वह तो बहुत मामूली से निर्जरा होगी। चारित्र के साथ जो ध्यान पंच परमेष्टि का किया जाएगा वह अत्यधिक असंख्यात गुड़ी निर्जरा करने वाला होता है। तो यह ध्यान में रखने की चीज है, जैसे जैसे आप साधक बनेंगे आपका उपयोग अपने में आएगा। तो सम्यक ज्ञान के साथ में चारित्र का पालन करने की जब आपके अंदर भावना आएगी तभी आप जो है कर्म फल चेतना से बच पाएंगे और कर्मों के जो बंध पड़े हुए हैं वो कर्म बंध अपने आप जो है अपने तरीके से नष्ट होते चले जाएंगे। समझ आ रहा है? कर्म चेतना और कर्म फल चेतना, इनमें हमारा उपयोग किस तरीके से लगे तो ये निश्चिंतता आनी शुरू हो जाती है। अब हमें करना क्या है? जो हमने पुराने कर्म किए थे वे सब हमारे ही अपने ज्ञान और चारित्र से अपने आप नष्ट होते चले जाएंगे। समझ आ रहा है? और जिस किसी भी कर्म में कोई अनुवाक शक्ति तीव्र होगी, हमें फल भोगना होगा तो हम भोग लेंगे। क्या समझ आया? और जैसा हमारे लिए फल दिखाई देगा वैसा फल का उपभोग हमें करने का भाव आएगा तो वो हम कर लेंगे। ये विचार जब उसके अंदर आ जाता है तो वह निश्चिंतता आ जाती है। तब वो ये भी देखने लग जाता है, ठीक है
हमारे पुरुषार्थ के अनुसार हमारे ही अपने उपादान में हम जितने अपने निमित्त तैयार कर रहे हैं। अब कौन से निमित्त तैयार कर रहा है? भगवान की पूजा कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान कर रहा है, व्रतों का पालन कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, तीर्थ यात्रा कर रहा है, ये सब क्या हो गए? निमित्त हो गए। अब इन निमित्तों से उस उपादान में, उस आत्मा में पड़े हुए कर्मों का जितना भी हेर फेर होगा हो जाएगा। जो जो भगवान ने देखा है कि भाई अब हम कितना भी ये व्रत तप कर रहे हैं और कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका फल हमें भोगना ही है, तो वो भी भगवान के देखने में आ रहा है। भगवान नहीं भी बताएं तो क्या फर्क पड़ रहा है? और भगवान ने सबके लिए बताया ही कहाँ है? और क्या भगवान सब जीवों के बारे में ही बता देते हैं? ऐसा भी नहीं है। अगर भगवान की सर्वज्ञता से ही सब कुछ हो रहा होता तो सब जीव जाकर के पहले भगवान के सामने यही पूछते कि भगवान ये बता दो कि मुझे मुक्ति कब मिलेगी। समझ आ रहा है ना? बस समव शरण में बैठे लोगों में ऐसी आकुलता नहीं होती जैसी आकुलता आज यहां इस प्रवचन सार को पढ़ करके और अध्यात्म ग्रंथों को पढ़ करके हो रही है। कभी आपने सुना कभी ऐसा कि समव शरण में बैठे लोग बस यही पूछते रहे भगवान हमारी मुक्ति कब होगी, हमारी मुक्ति कब होगी? बस एक प्रश्न करना है भगवान से, हमारी मुक्ति कब होगी? भगवान ने बता दिया तीन भव बाद होगी, बस जाओ घर में बैठ जाओ, तीन भव बाद हो जाएगी, बात खत्म। इतना ही तो पूछना चाहिए, ये तो कभी पूछने की जरूरत ही नहीं है कि भगवान हम कैसे अपनी कर्मों की निर्जरा करें, कैसे हमारी मुक्ति हो, जबकि भव्य जीव ये पूछता है वहां जाकर के। और यहां के भव्य जीव, समझ आ रहा है, ये पढ़ के भी जो जो देखी वीतरागने सो सो सीर, जो भगवान ने देखा वही होगा। जहां भगवान के सामने असंख्याते जीव बैठे हैं वे भी इस तरीके की भावना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो कर लेंगे तो समोसरण खाली हो जाएगा, फिर उन्हें समोसरण बैठने की जरूरत ही क्या है? बस इतने से तो मतलब है, आप बता दो हम भव्य हैं कि अभव्य हैं। आपने कह दिया अभव्य हो, चलो बस बात खत्म। आपने कह दिया भव्य हैं तो कब कितने भवों मुक्ति हो जाएगी? तीन भव में हो जाएगी, बात खत्म। जा रहे हैं अपना काम कर रहे हैं, जब तीसरा भव आएगा अपने आप मुक्ति हो जाएगी, आपने देख ही लिया है, अपने आप कारण मिल ही जाएंगे। क्या जरूरत है भगवान के 1008 नामों से स्तुति करने की और भगवान के पीछे जो है ना घूमने की और भगवान की आरती उतारनी है, भगवान की पूजा करने की, भगवान की वाणी सुनने की, क्या होना जाना है उससे? जब जो होना है सो होना ही है। ये कथन भी दोनों तरीके से आदमी के उपयोग में आता है, जब जो होना है सो होना है, जो जैसा होनहार है वैसा ही होता है, इसका भी अर्थ दोनों तरीके से घटित किया जाता है। जो अज्ञानी होते हैं वो इस कथन के साथ में प्रमादी बन जाते हैं, स्वच्छंद आचरण करने वाले बच जाते हैं, और जो ज्ञानी होते हैं वह भी इसी बात को कहते हैं, लेकिन उससे वह निश्चिंत बन जाते हैं और अपनी आत्म साधना में और ज्यादा लग जाते हैं। इसी कथन से यह समझने की चीज है, कौन सा कथन? जो जो देखी वीतरागने, या जो होना है सो होना है, जैसी होना है वैसा होगा। समझ आ रहा है? यह कथन, ये स्टेटमेंट जब अज्ञानी जीव के साथ आता है तो वह तरह तरह के प्रश्न खड़ा करके और तरह तरह की व्याख्याएं करके लोगों को भ्रमित कर देता है। समझ आ रहा है? लोगों को पुरुषार्थ करने से वंचित कर देता है, लोगों को व्रत तप करने से रोक देता है। किसके लिए? जब वह अज्ञानता के साथ इस स्टेटमेंट का उपयोग करता है, और जब वही ज्ञान के साथ इसका उपयोग करता है तो वह स्वयं भी निश्चिंत होता है और दूसरों के लिए भी निश्चिंत बनने की एक पद्धति बताता है। मोक्ष मार्ग पर चलते हुए भी बिल्कुल निश्चिंतता के साथ में अपना जीवन बढ़ाता चला जाता है, क्योंकि वह इस ज्ञान के साथ में इस भावना का उपयोग कर रहा है। यही समझने की चीज है, बात कोई भी गलत नहीं होती है, गलत ग्रहण करने वाला व्यक्ति होता है। आपके अंदर कसाय पड़ी है, आप में मिथ्या ज्ञान भरा पड़ा है, तो आपके लिए यही बात गलत सिद्ध होगी और आप उसकी गलत तरीके से व्याख्या करोगे। और अगर आपके अंदर कसाई की मंदता है, सम्यक ज्ञान है, तो आप इसी बात से क्या करोगे?
धर्म आराधना करोगे, अपना मन धर्म में लगाओगे, कर्म फल से जो मिलेगा मिलेगा, हम उसकी तरफ से निश्चिंत हैं। जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं वैसे कर्मों के अपने उदय आएंगे, चले जाएंगे, हमें कर्म की तरफ नहीं देखना, हमें तो अपनी ज्ञान चेतना में लीन होना है। बात एक ही है, समझ आ रहा? इसलिए मैंने कहना शुरू किया कि जब आप साधक बनेंगे, श्रावक बनेंगे, व्रती बनेंगे, जिनेन्द्र भगवान के मार्ग के अनुसार चलने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा? धीरे धीरे आप में निश्चिंतता आएगी, धीरे धीरे कर्म फल के प्रति लगाव नहीं रहेगा, भय नहीं रहेगा, और ये भाव आ जाएगा कि जो होनहार है वो तो होगी, हमें संसार के कार्यों में पड़ करके अपने इस समय को व्यर्थ नहीं करना है। तो वह अपनी होनहार का उपयोग किसमें करता है? अपनी शुभ कर्म चेतना के लिए और ज्ञान चेतना के लिए करता है। देखो, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हों, जिसे अपने अंदर ये ज्ञान आ गया कि हर कार्य उपादान और निमित्त के कारण से होता है, तो वह हर पुरुषार्थ करने के बाद भी, चाहे उसके लिए कोई कार्य का फल दिखाई दे या ना दे, वह जानता है कि हमारा पुरुषार्थ इसी तरीके का था कि उसमें अभी इस तरीके का फल दिखाई नहीं देना था। फल दिखाई दे गया माने हमारे उपादान में इतना पुरुषार्थ हो गया कि उसके निमित्त और उपादान मिलने से वह कार्य हो गया। कोई भी कार्य है, हमेशा यही ध्यान रखो कि उपादान और निमित्त कारणों के मिलने से होता है, और उसी के अनुसार जब आपकी परिणति बनेगी तो आप सोचोगे भाई अपने करने धरने से ज़्यादा क्या होना है, अपनी चिंता करने से ज़्यादा क्या होना है? हर आदमी चिंता में पड़ा है। किसकी चिंता में? हमारा ये भविष्य बच्चे का क्या होगा? अपनी चिंता नहीं है, चिंता किसकी है? बच्चे के भविष्य की। हमारा ये बच्चा आगे कहीं अच्छे काम में लग पाएगा कि नहीं लग पाएगा, इसको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, समझ आ रहा है? कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी समझ थोड़ी सी कम होती है, जिनके ज्ञान थोड़ा अच्छा नॉर्मल नहीं होते हैं, सही ढंग से काम नहीं करता है, तो अब उसकी चिंता में ही कि अब ये बच्चा इतना बड़ा हो गया, अब इसका विवाह होगा कि नहीं होगा, दुकान पे बैठेगा कि नहीं बैठेगा, नौकरी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, आपकी चिंता से क्या होना है? जितना उसके अंदर योग्यता है उसका नाम है उपादान, और उसके उपादान के अनुसार देखो कि ये क्या कर सकता है, उतना निमित्त जुटाओ, जितना उसके लिए निमित्त जुट जाएगा उतना उसके लिए कार्य करने में आ जाएगा, तो आपके लिए हो गया, बस इतना ही वो कार्य कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता, चिंता करने से क्या हो जाएगा? जब आदमी के अंदर ये ज्ञान आने लग जाता है तो वह अपने आप को इसी ढंग से भीतर ही भीतर सीमित करता चला जाता है, बाहरी चिंताएं उसकी अज्ञानता का ही परिणाम होती हैं, और जैसे जैसे वो बाहरी चिंताओं से छूटता है तो उसकी यह ज्ञान चेतना विकसित होनी चली जाती है। आज आदमी की ज्ञान चेतना क्यों विकसित नहीं हो रही? बाहरी चिंताओं में ही पड़ा है बस। हर किसी ने अपना कोई ना कोई एक लक्ष्य बना लिया है कि हमें यह बनना है, हमें यह बनना है, हमें यह करना है, हमें यह करना है, और उसी के कारण से उसने अपने अंदर जो पड़ी हुई और अनंत संभावनाएं हैं उन सबको उसने छुड़ा दिया, भुला दिया सबको, समझ आ रहा है? उन सबको नकार दिया और बस एक ही चीज में पड़ा 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 आधी जिंदगी निकाल देता है, तो फिर अब आधी जिंदगी तो फिर अब उसी पुरुषार्थ के साथ ही चलेगी, क्योंकि जैसी दिशा में उसने पुरुषार्थ कर लिया है वैसा ही अब आगे उसका जीवन चलेगा। तो जो अनंत संभावनाएं पड़ी हैं वो संभावनाएं कब व्यक्त होती हैं? जब हम भगवान के प्रति भी समर्पित भाव से सामने आ जा करके खड़े हो जाते हैं, और जब हम भगवान को देखते हैं तो हमें भी भगवान सर्वज्ञ दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी सर्वज्ञता में भी हम ये देखते हैं कि देखो भगवान के ज्ञान में जो दिखाई दे रहा है वैसा भी होगा, और जो हमारे अंदर कर्म के फल हैं वह उसी के अनुसार भगवान के ज्ञान में दिखाई दे रहा है इसलिए वैसा ही होगा, तो हमें दोनों तरह से निश्चिंत हो जाना है।
क्या समझ आ रहा है? गलत चीज कुछ नहीं है, भगवान के ज्ञान में दिख रहा है वैसा भी होगा, उसमें भी कोई गलती नहीं है, और जो हमारे कर्म के फल में आ रहा है वो भी हमको मिलेगा, उसमें भी कोई गलती नहीं है। लेकिन गलती कहाँ है? जब हम एक बात को मान करके दूसरी बात को नकार देते हैं, अथवा वस्तु व्यवस्था को जैसा है वैसा नहीं स्वीकार करते हैं, तो वो हमारी गलती हो जाती है। इसलिए चेतना का उपयोग का इस तरीके से विकास करो कि निश्चिंतता आती चली जाए, कर्म के फल में उलझन नहीं हो, और बाहर की जो संसार है, इस संसार को हम केवल, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पुद्गल द्रव्यमय है, अजीव रूप है, बस हम इसको इस पुद्गल द्रव्यमय ही जाने, और अपने जीव तत्व की संभाल करने के लिए निश्चिंतता का, निर्भयता का भाव अपने अंदर लाएं, तो हमारे अंदर की उपादान शक्ति बढ़ने लग जाएगी। यही हमारे अंदर की उपादान शक्ति को बढ़ाने का कारण बनेगा। जहां से आपको सम्यक ज्ञान आ जाए, वहीं से ज्ञान चेतना प्रारंभ हो गई। समझ आ रहा है? गुणस्थानों के हिसाब से देखो तो चौथे गुणस्थान में अविरत सम्यक दृष्टि भी होगा, तो भी उसके लिए एक श्रद्धान आ जाता है जीवादि तत्वों का, यही उसकी ज्ञान की चेतना का सबसे प्रारंभिक बिंदु है। ऋणाणम अठव्यप्पम इसीलिए कहा है। अर्थ के विकल्प को जो सही ढंग से जानने लग जाता है कि पदार्थों का विभाजन, पदार्थ किस रूप में है, बस वहीं से उसका ज्ञान शुरू हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है, जो जो भगवान ने देखा है वह भी होता है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। गलत कहाँ होता है? कि हम उन्हीं भगवान के भरोसे बैठे बैठे ये बाट जो होते हैं कि अपने आप सब कुछ होने लग जाएगा, और हम पड़े पड़े मतलब अनर्थ करते रहते हैं, पाप करते रहते हैं, ये गलत हो जाता है। समझ आ रहा है? और वहीं पर एक साधक होता है जो इस जिनवाणी के मर्म को जानता है, तो वह भी जानता है कि भगवान ने जो कहा है वही होगा, लेकिन वह भी हमारे ही कर्मों के फल से ही हमको प्राप्त होगा, भगवान के कहे मात्र से नहीं होगा, होगा तो हमारे ही उपादान और निमित्त के संयोग से। इसलिए हमें अपने उपादान और निमित्त की संयोजना में लगे रहना है। हाँ, सब निमित्त बाहरी ही होते हैं, है ना? भगवान भी बाहरी निमित्त हैं हमारे लिए, है ना? और भगवान के लिए भी समवसरण निमित्त है बाहरी, उनकी देशना के लिए। एक दूसरे के लिए सब बाहरी निमित्त हैं। भगवान के सामने जब तक सभा नहीं होगी, समझ आ रहा है, बाहरी निमित्त नहीं होगा, सभा में योग्य व्यक्ति उपदेश सुनने लायक नहीं होगा, तो भगवान का उपदेश नहीं होगा। समझ आ रहा है? उपादान शक्ति जोर परिपूर्ण है, जोरदार है, लेकिन बाहरी योग्य व्यक्ति नहीं है जो उनकी वाणी को झेल सके, जो उनकी वाणी को समझ करके उसके अनुसार दूसरों को बता सके, भगवान नहीं बोलेंगे। योग्य व्यक्ति होना चाहिए सभा में। समझ आ रहा है? ये बाहरी योग्यता, बाहरी निमित्त भगवान के लिए जरूरी है। भगवान को भी निमित्त की जरूरत पड़ रही है। समझ आ रहा है? हाँ, ये सीखने की कोशिश करो। बिना समवसरण के भगवान कभी भी बोलेंगे नहीं। चलते फिरते जा रहे हैं, विहार कर रहे हैं, भगवान भगवान आप हमारे गांव से निकले हैं, हम तो आपके पास नहीं आ पाए, आप हमारे गांव में आ गए, धन्य धन्य आपके दर्शन करके धन्य हो गए, ये तो बता दो हमारी मुक्ति कब होगी, हमको भी आपकी तरह केवल ज्ञान कब होगा। फोकट की दुकान समझ रखी क्या है? जब मन आए जब कुछ भी पूछ लो, और जब कभी भी उत्तर मिल जाए है? इतना पुरुषार्थ किया भगवान ने, और तुम फोकट में, तुम्हारे सामने आ गए, तुम कुछ भी पूछ लो और तुम्हें कुछ भी उत्तर दे दें। ऐसे चलते फिरते भगवान कुछ भी नहीं बोलते हैं। जहाँ हम बैठेंगे, जहाँ समोसरण लगेगा, जहाँ दुकान लगेगी, वहाँ पे आना, फुर्सत हो तो ठीक, नहीं हो तो अपने घर जाओ। समझ आ रहा है? ये भी भगवान नहीं कहेंगे, हम कह रहे हैं। समझ आ रहा है? कुछ ऐसी पान तंबाकू की दुकान है क्या चलती फिरती की, साइकिल वाली, कि कुछ भी चीज़ कहीं से माल उठा लिया और कहीं से भी कोई खरीद लिया। अरे स्टैंडर्ड की दुकान है, स्टैंडर्ड के तरीके से लगती है। समझ आ रहा है? तो भगवान की दुकान, भगवान का काम कोई ऐसा है क्या?
हाँ, कभी सुना है कि आपने भगवान विहार कर रहे हो और कोई भी पूछ बैठे? आप जैसे लोग अपने आप को सम्यक ज्ञानी समझ रहे हो, हम समझते हैं आप जैसा नासमझ कोई नहीं होगा, कि आपके दिमाग में यही भरा रहता है कि हमें भगवान से यही पूछना है, क्या आपने देखा, क्या हमारा होगा, हर कोई के मन में यही बात रहती है। ये उस समय के लोगों को नहीं पता रहता था। क्या जितने भी असंख्यात लोग भगवान के सामने बैठते थे वो सब यही पूछते रहते थे भगवान से कि हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा? अगर कभी कोई पूछता भी था तो अपने पूर्व भव पूछता था, समझ आ रहा है, ये पूछता था। लेकिन हर कोई व्यक्ति यही पूछता रहे कि आगे हमारा कब होगा कल्याण, आगे हमारा क्या होगा, ये कोई भी पहले नहीं पूछता था जितना आज के व्यक्ति के मन में ये पड़ा हुआ है कि भगवान ने जैसा देखा है वैसा होगा। और अगर भगवान सामने भी होते हैं तो सबसे पहले उसके मन में यही प्रश्न आएगा कि हम भगवान से यही पूछ लें और अपने फुर्सत हो जाए। समझ आ रहा है? ये किसकी बातें हैं? ये अज्ञानता की बातें हैं, पुरुषार्थहीन व्यक्तियों की बातें हैं। समझ आ रहा है? अगर इतना ही पूछने के लिए भगवान बने होते तो फिर तथ्य की कोई चर्चा ही नहीं करता, फिर तो सब भगवान के समोसरण में ही बैठे बैठे पूछते रहते, भगवान आप तो बताओ, उनका भाव बता दिया, उनका भाव बता दिया, हमारा भी बताओ, पिछला बता दिया, अगला भी बताओ, बस इसी में सब लगे रहते भगवान। कब बताएंगे वो जीव तत्व के, अजीव तत्व के, हमने लेने ही देना किसी को नहीं इससे। तो इस समझने की बातें हैं कि हम कितनी अज्ञानता भरी बातें आज कर रहे हैं इन्हीं अध्यात्म शास्त्रों को पढ़ करके, और कितने अज्ञानता के व्याख्यानों पर जोर दे रहे हैं कि जो जो भगवान ने देखा वही सब होगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसका तात्पर्य इतना ही है कि तुम अपने कर्म फल की ओर से निश्चिंत हो जाओ। समझ आ रहा है? अच्छे सत्कर्म करो, अच्छा पुरुषार्थ करो, अपने अंदर ये योग्यता बना करके रखो कि हमें हमेशा अच्छे निमित्त मिलते रहें जिससे कि हमारा उपादान अच्छे जगह पर पहुंच करके अच्छा काम करता रहे। ये सब चीज़ें जब तक आप संयोजना नहीं करेंगे तब तक आपके लिए ये सारा का सारा ज्ञान कोई मतलब का नहीं रहेगा। कभी ऐसा भी होता है कि उपादान कमज़ोर होता है तो निमित्त से उसमें ताकत आ जाती है, समझ आ रहा है? और कभी इतना उपादान बलजोर हो जाता है कि उसको लिए एक छोटे से निमित्त से भी उसका काम हो जाता है। ये सब होता है, अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन होता हमेशा उपादान और निमित्त दोनों की संयोजना से ही है। तो ये जानकारी रखना आवश्यक है कि केवल भगवान के देखने से सब कुछ नहीं हो जाता, भगवान के जानने से सब कुछ नहीं हो जाता, भगवान के भरोसे सब कुछ नहीं होता, भगवान पर डिपेंड नहीं होना, भगवान ने जो कहा है उसको समझना। भगवान ने क्या कहा? दुनिया का हर कार्य अपने अपने अंतरंग और बहिरंग कारणों से होता है, उपादान और निमित्त से होता है। भगवान की बात को तो मान नहीं रहे हो, समझ आ रहा है? और भगवान भगवान चिल्ला रहे हो, भगवान ने जो देखी वैसा होगा, भगवान ने जो कहा है वैसा होगा, ऐसा तो कहता ही नहीं कोई। तो ये बातें अगर हम एक तरफा करने लग जाते हैं, एकांतिक दृष्टिकोण बना लेते हैं, तो इससे अपना नुकसान होता है, ज्ञान भी अज्ञानता की ओर ढलने लग जाता है। भगवान को भी निमित्त की जरूरत होती है और हमको भी निमित्त की जरूरत होती है। परस्पर में निमित्त नैमित्तिक संबंध यही कहलाता है। बिना समवसरण की रचना हुए कभी भी भगवान उपदेश नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते? हम भगवान से पूछ रहे हैं। जब आपके सामने कोई व्यक्ति बैठा है, पूछ रहा है, अकेला है, कोई सभा नहीं आपकी, समझ आ रहा है, आपके पास केवल ज्ञान है, सब कुछ है, आप क्यों नहीं बता रहे हो? सामान्य केवली होंगे तो बता देंगे, तीर्थंकर नहीं बताएंगे कभी भी, एक व्यक्ति को भी उपदेश नहीं देते। क्या समझ आ रहा है? सामान्य केवली होंगे तो बता देंगे, लेकिन कभी आप बता दो किसी भी तीर्थंकर भगवान ने बिना समवसरण के उपदेश दिया हो? समवसरण लगेगा, सभा में लोग बैठेंगे, तभी हमारी दिव्य ध्वनि होगी। भगवान नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये देखने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये क्या मतलब है? ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है, समझ आ रहा है? ऐसा नहीं है कि बिना समोसरण लगे और कहीं भी तुम खड़े हो गए, बताओ भगवान क्या हमारा होने वाला है?
तो ये तीर्थंकर भगवान के साथ नहीं होता है। तो भगवान के लिए भी बाहरी निमित्त मिल जरूरत है कि नहीं, दिव्य ध्वनि घिरने के लिए है? और भगवान के लिए वो निमित्त, बाहरी निमित्त क्या बन रहे हैं? जो सभा में बैठे हुए लोग हैं वो निमित्त बन रहे हैं, और जो सभा में बैठे हुए लोग हैं उनके लिए निमित्त क्या बन रहे हैं? वो भगवान बन रहे हैं। उनको ज्ञान किससे मिलेगा, उनको सम्यक दर्शन किससे होगा? तो भगवान से होगा। एक दूसरे के लिए यही निमित्त नैमित्तिक संबंध कहलाता है। समझ आया? निमित्त माने बाहरी कारण और नैमित्तिक माने उस निमित्त से जिसमें कार्य हो वो नैमित्तिक भाव कहलाता है। उस निमित्त से ये नैमित्तिक कार्य हो गया, तो यही निमित्त नैमित्तिक संबंध हर जगह चलता है। इसी तरीके से सब काम होते हैं। द्वारिका जलाने के लिए भी अग्नि लगानी पड़ेगी। समझ आ रहा है? अब वो अग्नि कैसे भी लगे, चाहे वो लकड़ी की अग्नि हो और चाहे जो है किसी रिद्धि से निकली हुई अग्नि हो, अग्नि तो अग्नि है, बिना अग्नि के तो द्वारिका नहीं जल सकती ना। जलने वाली क्रिया अग्नि से ही होगी ना, नहीं समझ आ रहा है? तो अग्नि ही निकली ना। अगर द्वीपायन मुनि के कंधे से तेजस पुतला निकला तो वो भी अग्नि थी ना। जलने का काम तो अग्नि से ही होगा, तो अग्नि ने जलाया, अग्नि का काम है जलाना। तो कोई भी कार्य यूं ही थोड़ी ना हो गया, जैसे होता है वैसे ही हुआ ना। द्वारिका जलेगी तो अग्नि से जलेगी। कौन सी अग्नि से जलेगी? तो द्वीपायन मुनि के द्वारा निकली हुई अग्नि से जलेगी, तुम्हारी माचिस से नहीं जलेगी। बस ठीक है, ये बात ठीक है। अग्नि अलग अलग टाइप की होती है। अब इतनी बड़ी सोने की चीज है तो तुम्हारी माचिस से सुलग जाएगी क्या? बड़ी चीज को जलाने के लिए बड़ी चीज चाहिए पड़ेगी ना, है? ट्रेड सेंटर गिराने के लिए एरोप्लेन सेंटर गिराना पड़ेगा उसको। नहीं समझ आ रहा है? कि थोड़ी सी वो मिट्टी का तेल डालने से ट्रेड सेंटर गल जाएगा, टूट जाएगा क्या? नहीं समझ आ रहा? बड़ी चीज को मिटाना है तो बड़ी शक्ति चाहिए। बड़ी शक्ति कहाँ है? तो जो शक्तिवान है उनके पास में है। बस तुम्हारे पटाखों से थोड़ी ना टूट जाएगी वो। तो बस यही तो बात है। कार्य होगा जलने का, अग्नि से ही होगा। समझ आ रहा है? गलने का कार्य होगा तो पानी में गलती है कोई चीज़ तो पानी से गलेगी, अग्नि में जलती है तो अग्नि से जलेगी, वायु से सूखती है तो वायु में सूखेगी। जो जिसके लिए कारण है वो कारण से ही तो कार्य होते हैं हमेशा। तो यही तो है सिद्धांत। और क्या है? जो जिस कारण से होता है वही उस कारण से ही कार्य घटित होता है। तो ये बात अलग है कि वो अग्नि कैसी बनी, कौन उसमें निमित्त पड़ा, लेकिन निमित्त तो पड़ा, बिना निमित्त के कोई भी कार्य नहीं हुआ। तो यही हमें समझना चाहिए। जीव का ये सब उपयोग करने का तरीका है, और ये जीव का उपयोगमय स्वभाव, समझ आ रहा है, शुद्ध होता चला जाता है। चेतना उसकी ज्ञानमय होती चली जाती है तो दूर दूर की चीजें भी उसके ज्ञान में आ जाती हैं, दिखाई दे जाती हैं। इसलिए यहाँ कहा है जीवो पुण चेदणो भोगमो पोगल दब्ब पमुअम अचेदणम हवदि अजीवम। और जो अजीव है वो यहाँ पर पुद्गल द्रव्य की प्रमुखता से अचेतन रूप है। समझ आ रहा है? अजीव पुद्गल द्रव्य के बिना भी होते हैं, आगे बताएंगे, लेकिन जो जीव के साथ जुड़ा हुआ पुद्गल द्रव्य है वह पुद्गल द्रव्य अजीव रूप यहाँ पर बताया जा रहा है, क्योंकि उसी से आपको अपना पीछा छुड़ाना है। बाकी के जो पुद्गल द्रव्य से रहित अजीव हैं उनसे पीछा नहीं छुड़ाना, वो तो केवल जानने और श्रद्धान करने के विषय होते हैं। बाकी के ये जिससे अपना प्रयोजन है वो क्या है? पुद्गल द्रव्य की प्रमुखता वाला जो अजीव पदार्थ होता है वह हमारे साथ में जुड़ा हुआ है। तो अपनी चेतना के उपयोग को इस पुद्गल द्रव्यमय शरीर से, बाहरी नौकर्म से हटा करके जो व्यक्ति अलग अपने चेतना के उपयोग को शुद्ध बनाता चला जाता है वह इस तरह का विस्तार कर लेता है कि वह केवल ज्ञानी भी बन जाता है। तो केवल ज्ञानी की भी यही विशेषता है, और जो सामान्य ज्ञानी है, सम्यक ज्ञानी है, उनकी भी यही विशेषता है कि दोनों एक सरीखा जानते हैं। कार्य जब भी होगा उपादान और निमित्त से होगा। आपने पहले देख के जान लिया, बता दिया, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। ज्योतिषी भी बता देते हैं, बड़े बड़े निमित्त ज्ञानी भी बता देते हैं, मन परे ज्ञानी भी जान लेते हैं,
तो ये तो ज्ञान की विशेषता है जो हमें नीचे भी देखने में को मिलती है, मतलब निचले स्तर पर भी हमें देखने को मिलती है। अवधि ज्ञानी है, मन परे ज्ञानी है, विशेष श्रुत ज्ञानी है, निमित्त ज्ञानी है, ये सब भी आगे की चीजों को देख के बता देते हैं। तो देख के बता देने से मतलब ये नहीं हो गया कि कोई वस्तु व्यवस्था गड़बड़ा गई, काम होगा लेकिन वह होगा तो इसी तरीके से ही होगा। उपादान और निमित्त दोनों के मिलने से ही कार्य होता है। कभी आपको नहीं मालूम कि कब होगा, वो किसी को पहले मालूम पड़ सकता, बस बता दिया, टाइमिंग का ही तो फर्क पड़ा। आपकी दृष्टि में वो चीज परोक्ष है, उनकी दृष्टि में वो प्रत्यक्ष आ गई, इतना ही तो अंतर है। तो इतनी सी बात के लिए हम कभी भी सिद्धांत ना मिटा दें कि जो भगवान देख रहे हैं वही होगा, हमारे करे कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं कहना चाहिए। करना तो हर व्यक्ति को खुद का पड़ता ही है। ये बात अलग है कि वो अपने करने को भी इतना सीमित कर ले कि वह कर्म फल चेतना से निश्चिंत होता चला जाए और जैसा उसके लिए मिलता जाए उसमें संतुष्ट होता चला जाए, तो उसके लिए यही अच्छे कर्म उसे अपनी ज्ञान चेतना के विकास को और ज़्यादा वृद्धिंगत करने के काम में आ जाएंगे। ठीक है, क्या कहते हैं आचार्य महाराज, ये द्रव्य है अमिट जीव अजीव, चैतन्य रूप उपयोग सुजीव, ये शेष द्रव्य सब पुद्गल आदि, होते अचेतन अजीव सुधी। ठीक, आंखें बंद। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ॐ अरहं नमः, अपनी चेतना को उपयोग स्वभाव के साथ ज्ञान दर्शनमय महसूस करें। ज्ञान दर्शनोपयोगमयोहम।